जय हिंद दोस्त। मेरा एक दोस्त था जिसका DBN मेडिकल कंप्लीट हो गया है। वो दोस्त जिसके साथ हम भी गए थे, तो हम भी वहाँ देखे, सब कुछ देखे। तो वो जो दोस्त था उसका सिकंदराबाद जोन से था और वो OBC कैटेगरी से था। तो आप लोग को पूरा डिटेल्स DB से रिलेटेड और मेडिकल से जुड़ी सारी बातें बताएंगे, आपको शेयर करेंगे कि कैसे वहाँ सब कुछ हुआ। सारा डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या लगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगा था, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, आपको सारा डिटेल से बताएंगे। इसलिए बिना स्किप किए हुए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जो दोस्त था उसके साथ हम भी गए थे। उसका 8 तारीख को DB था और 9 तारीख को मेडिकल था। तो हम लोग वहाँ पे 7 बजे ही वहाँ पे पहुँच गए थे, पहले ही पहुँच गए थे। तो वहाँ पे जैसे वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग हम लोग को कुर्सी पे वहाँ बैठा दिया गया और बोला कि आप लोग DB में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेगा, वो लोग आप लोग रेडी रखिएगा सब कुछ। तो आप लोग दोस्त प्लीज 2 से 3 फाइल लेके वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स अलग अलग फाइल में सेटअप करके रखिएगा। तो आप लोग को वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में कर लीजिएगा और फोटो कॉपी जितना रहेगा उसको सब एक फाइल में कर लीजिएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में वहाँ DB में क्या क्या लगा था हमको, हम अपना सारा बात बताते हैं। तो देखिए, 10th का मार्कशीट वहाँ पे मांगा गया था और 10th का ओरिजिनल वो हो गया। और आधार कार्ड 2 को फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और OBC फॉर्मेट जिसका, मेरा तो OBC फॉर्मेट था, और जिसका SC ST कास्ट से जो था, SC ST का उसका OBC ST से लगा था, जिसका EWS था वो उसका EWS लगा था। तो OBC फॉर्मेट जो रेलवे फॉर्मेट पर बनता है वो ऑफलाइन बनता था, उसमें पहले अंचल का मुहर सिग्नेचर लगा था, फिर हम SDO लेवल पर अनुमंडल में जाके SDO लेवल तक मुहर सिग्नेचर करवाए थे। बस वहाँ तक कि हम लोग को काम में हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और आप लोग को 8 वो फोटो लेके जाना है, वहाँ पे 8 फोटो जरूरत पड़ता है, आप लोग ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। और ओरिजिनल वो सिर्फ देखेगा, लेगा नहीं, आप लोग को वापस लौटा दिया जाएगा। सिर्फ वो फोटो कॉपी, दो सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबको वो 2-2 फोटो कॉपी वो अपने पास रख लेता है। तो जो DB वाला एडमिट कार्ड है उस पर एक फोटो चिपकाना होता है, DB वाला एडमिट कार्ड आप लेके जाइएगा तो उस पर एक फोटो चिपकाएगा, तो उसको उस फोटो मतलब वहाँ पे चिपका देना है। और वहाँ पे जाते ही आपको मतलब कि सारा डॉक्यूमेंट्स देख लेगा। उसके बाद जो है आपका हायर क्वालिफिकेशन के बारे में, जो है हायर क्वालिफिकेशन मांगा नहीं था, बोला कि अपने पास में रखिए, उसको लेके नहीं जाना है, मतलब अंदर में लेके नहीं जाना है, तो अपने पास अंदर मतलब बाहर ही आप रख लीजिए। ठीक है, और आप अपने साथ में एक कोई दोस्त या कोई अपना भाई हो उसको आप साथ में लेके जाइएगा, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो जैसे हम भी गए थे अपने दोस्त के साथ, तो उसको बहुत सारा हेल्प मिला था, हम बहुत सारा किए थे उसको। तो रोल नंबर और नाम से वहां पे बुलाया जाता है। तो आप लोग को फिर वहां पे जैसे अंदर जाइएगा तो एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें अपना पूरा डिटेल्स भरना है, नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है सब कुछ अपना डिटेल से भर दीजिएगा। और वहां पे फॉर्म में 4 फोटो लगा था और 5 जगह पे सिग्नेचर हुआ था और 5 जगह थम हुआ था, तो 5 जगह थम हुआ था। फिर वो जितना डॉक्यूमेंट्स था उस पूरा नेक्स्ट सर के पास वहाँ पे भेज दिया गया वेरीफाई करने के लिए। वो एक और सर रहता है क्योंकि, और फिर से वेरीफाई किया जाता है। तो वहाँ आपसे नाम पूछेगा, क्या नाम है, पापा का नाम पूछा है, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, बोलेगा किस स्टेट से हो, सब कुछ पूछ लेगा, आप अच्छा डिटेल से बता दीजिएगा। वहाँ भी सब कुछ देखेगा और वहाँ पे आपसे 2 निशान पूछा जाएगा। 2 निशान हमसे पूछा था, मेरा दोस्त से, तो 2 निशान पूछा जाएगा। तो आप पहले से ही 2 निशान वहाँ पे देख लीजिएगा, क्या कि वहाँ पे आपको खोजना नहीं पड़े। तो मेरा दोस्त बोला कि हमको 1 निशान तो पता था, 1 निशान हमको खोजना पड़ गया था। आप लोग पहले से ही निशान के लिए रेडी रखिएगा, तो वहाँ पे जैसे पूछेगा आप 2 निशान बता दीजिएगा। फिर वहाँ पे आपको सब कुछ चेक करके फिर आपको बाहर बैठा दिया जाएगा, जहाँ पहले बैठे थे वहाँ बाहर बैठा दिया जाएगा। फिर बाद में वो सारा कुछ चेक चेक करके फिर आएगा या बोलेगा जिसका जिसका मेडिकल के लिए भेजेगा, मतलब जिसका जिसका डॉक्यूमेंट पूरा फिट है तो उसको मेडिकल के लिए भेजेगा अगले दिन के लिए। तो आप लोग को बता देगा कि आप लोग को कहाँ पे जाना है, कितना बजे पहुँचना है। हम लोग को 8:30 बजे भेजा गया था, हम लोग वहाँ पे पहले ही पहुँच गए थे। और वहाँ पे आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पैसा आपसे 24 रुपया पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही 24 रुपया हम लोग से ले लिया गया था। 24 रुपया पहले आप पहले ही ले लेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिन ही लेगा। और मेडिकल के दिन आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे एक स्लिप काट के आपको 24 रुपया का दे दिया जाएगा। और वहाँ पे कुछ लेके नहीं जाना है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लियर हुआ था वो सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहले ही पहुँच दिया जाता है। तो वहाँ पे जैसे जाइएगा तो वहाँ का आपका जो भी जांच होगा, वहाँ पे बहुत सारा डॉक्टर बैठा हुआ था। तो मेरा जो दोस्त गया था वहाँ पे, एक मैम थी, तो उसने एक कागज में कुछ लिखा था और उसको पढ़ने के लिए बोला गया था, बोला ये कागज में कुछ लिखा गया और उसको बोलिए आप पढ़िए। तो जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा इसको पढ़िए। फिर हम लोग को एक्सरे के लिए भेजा गया, वहाँ पे पूरा बॉडी का एक्सरे हुआ, शायद बॉडी का नहीं हुआ था, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का हुआ था। और जैसे मेरा दोस्त हमको बताया था तो हम वैसे बता रहे हैं आप लोग को। और फिर मूत्र के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मूत्र निकाल के बोल देगा रख देने के लिए, वो मूत्र के लिए जांच कर लेगा वो। फिर आपसे थोड़ा सा सुई से हल्का सा कट करके और एक बूंद खून ले लेता है, थोड़ा सा खून ले लेगा आपसे और वहाँ पे खून जांच कर लेगा। उसके बाद आप लोग को ना आई चेक के लिए भेजा जाएगा। आई चेक में क्या किया जाएगा कि वहाँ पे 3-4 प्रकार का लाइट जलेगा, रेड हो गया, जैसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया,
तो वो सब लाइट वहां पे देखा, बोलेगा कि लेजर लाइट से बारेगा तीन चार प्रकार का, और उसको चेंज करते रहेगा। आप पूछेगा बताइए ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, तो आप लोग को अच्छे से बता देना है वो सब कलर का। एक पूरा अंधार रूम में ये सब करता है, जो कि मतलब जहाँ की पूरा एकदम अंधेरा रूम रहेगा, डार्क रूम, वहां पर ये सब लाइट का काम किया जाता है। फिर क्या हुआ, फिर आप वहां पे पास कर जाइएगा, तो फिर आपको बोलेगा कि एक नेक्स्ट डॉक्टर के पास भेज देगा आपको, नेक्स्ट केबिन में भेज देगा। तो वहां पे जाइएगा, तो वहां पे एक पेज रहेगा, मतलब कि उसमें सी लेटर टाइप का रहेगा, पेज नहीं रहता है, और एक स्क्रीन पे मतलब कि सी लेटर रहता है, उसमें आपको बोलेगा कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा, तो कभी सी लेटर छोटा रहेगा तो कभी बड़ा रहेगा। तो आपको पूछेगा बताइए ये सी लेटर का मुख किधर है, तो आपको बताना है राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, तो इस तरह से आपको बताना है। जैसे सिलेटर का जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उस तरह से बताना है, जैसे सिलेटर का मुंह खुला हुआ राइट, आपको राइट बोलना है, सिलेटर ऊपर कर देगा उसका मुंह तो बोलिएगा अप है, तो इस तरह से आपको वहां पे बताना है। फिर वहां पे आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक किया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको जो कलर वाला फोटो नहीं होता जिसमें कि ग्रीन ब्लू टाइप का रहता है, उसमें 69 63 ये सब आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। फिर वहां पे आपको पाइल्स भी चेक किया जाएगा, मतलब जहां पे बीमारी सब चेक किया जाता है, पाइल्स चेक करेगा, आपका हाइड्रोसिन चेक करेगा। आपको वहां पे पूरा कपड़ा खोल दिया जाएगा एक रूम में ले जाके, और वहां पे एक डॉक्टर रहेंगे, और वो वहां पे कपड़ा खोल के बोलेगा खड़ा हो जाइए, और आपको अच्छा से तुरंत चेक कर लेगा, वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है। और तीन चार डॉक्टर रहते हैं वहां पे, तो और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारा हेल्प करेगा आपको, जैसे जैसे होगा आपको मदद करेगा। आप वो भी चाहता है कि आप लोग भी मेडिकल अच्छे से पास हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग को पहले तो वो सब कुछ भेज देगा, बोलेगा जाइए आप फिट रहिए, फिर बाहर आपको बैठा देगा। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो फिर आपको 7 दिन के अंदर में वो कॉल करेगा, बोलेगा 7 दिन के अंदर में आपको आना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू। तो हम आपको पूरा ये डीबी और कैसे कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है उसके बारे में सब कुछ बता दिए, और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है उसके बारे में सब कुछ बता दिए, कैसे 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 क्या होता है। तो आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा, और जो भी आपको डाउट में रहे तो आप कमेंट में प्लीज पूछिएगा, ठीक है। और फिर आगे जो भी आपको लगे कि नहीं ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताइए, तो SST जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें कैसे बनाए थे आप, किस तरह से हुआ, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो आप पूछिएगा, आपको सारा डिटेल्स बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो उस पर जल्द ही लाने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्त।